हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स आज का जो तो हमारा सेशन है डेली बेस पे सुबह आठ बजे इंग्लिश का सेशन आपके लिए रहता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंजक्शंस तो कंजक्शन की बात करें इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कोई दो वर्ड्स को फ्रेज़ को कोई दो क्लास को आपस में जॉइन करना हो वहाँ पर हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं ठीक है सबसे पहले बात करें जो कॉर्डिनेट कंजक्शन आ जाती हैं जो एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ती हैं जैसे बात करें कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या आ जाएगा आपका फ़ैन बॉयज़ ठीक है क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन में फ़ैन बॉयज़ एफ फॉर एंड ए से एंड एन से नार बी से बट ओ से आर वाई से यट एस से सो so. तो फैन बॉयज़ आपका आ जाएगा ठीक है तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपका क्या होता है दो नाउन को हम आपस में जोड़ते हैं जिसमें क्या आ जाएगा आपका फैन बॉयज ठीक है फॉर एंड नार बट आर येट या सो so, ठीक है कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपके क्या हो जाएंगे फैन बॉयज़ हो जाते हैं ठीक है ये आपने याद रखना है इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है उसके बाद बात करते हैं जो सबार्डिनेट कंजक्शन आ जाती हैं जो बाकी के हमारे साथ सबॉर्डिनेट कंजक्शन हो जाते हैं उनकी हम वहाँ पे उनको यूज़ करते हैं ठीक है जैसे बात करते हैं ही इस रिचर व्हाट माइजर सो नो बॉडी लाइक हिज कंपनी तो जहाँ पे क्या आ जाएगा ही आ गया सब्जेक्ट इज इज लिंकिंग वर्ब रिच एडजेक्टिव व्हाट आ जाएगा कंजक्शन उसके बाद जो आ गया मिजरली सो so आ गया कंजक्शन नो बॉडी सब्जेक्ट लाइक वर्ब ही इस आ गया प्रोजेसिव एडजेक्टिव और कंपनी हो गया ऑब्जेक्ट तो जहां पे हमारे पास क्या आ गया मिजरली एडजेक्टिव हो जाएगा ठीक है ही इज रिच बट माइजरली इसका आएगा ठीक है उसके बाद होते हैं नेक्स्ट हमारे को रिलेटिव फंक्शन तो को रिलेटिव कंजक्शन क्या हो जाते हैं जिसमें आइदर आर नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो वो और एंड ठीक है को रिलेटिव कंजक्शन आपका हो जाएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है आपके डेली बेस पे सुबह आठ बजे इंग्लिश का सेशन शाम को आठ बजे जी का सेशन कॉन्टीन्यूसली मैन पे आपको मिलता रहेगा और कॉन्टीन्यूसली आपका आता रहेगा ठीक है जैसे बात करें शी टोल्ड हर फादर दैट शी नाइदर wanted अ स्कूटी or अ लैपटॉप ऑन हर बर्थडे तो शी टोल्ड it दैट शी टोल्ड it that शी टोल्ड it हर फादर दैट शी wanted तो नाइदर शी sorry either ए स्कूटी or अ लैपटॉप तो शी ही हैज नाइदर हार्मड यू नॉर मी तो इधर क्या आ जाएगा ही हैज हार्मड नाइदर यू नॉर मी नाइदर पह नाइदर बाद में आएगा मेन वर्ब से बाद में ही हैस नाइदर हार्म यू नॉर मी ठीक है ये आपने याद रखना है इसका नेक्स्ट बात करते हैं ही हैज नॉट ओनली गिव यू ए पेन बट आल्सो ए पेंसिल इधर क्या आ जाएगा ही हैज गिवन यू नॉट ओनली ए पेन बट आल्सो ए पेंसिल ठीक है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट आ जाएगा सच एस सच ऐस यानी कि जो जैसा हो जैसे रिलेटिव की बात करें सच देट यानी कि कंजक्शन ठीक है सच दैट क्या हो जाएगा कंजक्शन शी बिहेव इन सच अ मैनर एज या दैट नो वॉडी लाइक हर तो इधर क्या आ जाएगा दैट जाने कि कंजक्शन शी बिहेवस इन सच अ रूड मैनर दैट नो बॉडी लाइक्स हर ठीक है ये आपने याद रखना है इसका उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट आई डू नॉट लाइक सच स्टूडेंट्स एज दैट पोस्ट अननेसेसरी कमेंट्स ड्यूरिंग द क्लास तो आई डू नॉट लाइक सच स्टूडेंट्स ठीक है तो इसका क्या आ जाएगा डू नॉट मे हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज़ होगी एड वर्ब आ जाएगा लाइक मेन वर्ब हो गया दैट हम ऐज और दैट जहाँ पे एज का यूज़ जहाँ पर करेंगे ठीक है और अननेसेसरी आपका एडवर्ब यहाँ पे आ जाएगा यह आपने याद रखना है इसका सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा उसके बाद हार्डली और स्कार्ली हार्डली और स्कार्ली हम वैन के या साथ यूज़ करते हैं नो सोनर हम दैन के साथ यूज़ करते हैं हार्डली हैड ही लेफ्ट फॉर ऑफिस दैन की येगा हम वैन का यूज़ करेंगे इट स्टार्टिड रेनिंग नो सोनर इनके साथ डिड शी हैज हिस एक्स जी एफ दैन ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट तो जहाँ पे टी एच ए एन आ जाएगा ठीक है ये हमारे कुछ जो हम डेली बेसिस पे सुबह कंजक्शन आपके डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक हमने डिस्कस करा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शानदार सेशन ये होता है और डेली बेसिस पे हम इनको डिस्कस करते हैं तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बस इतना ही कुछ भी डाउट्स ऑन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आज के इस सेशन में बस इतना ही